छोटी आंत होती है उसका जो प्रारंभिक भाग होता है वह सी आकार का होता है वह क्या कहलाता है तो दोस्तों चित्र में प्रदर्शित है, है क्या है आमाशय और यह छोटी आंत है और छोटी आंत का जो प्रारंभिक भाग होता है यह प्रारंभिक भाग जो कि सी की आकृति बना हुआ है इस सी की आकृति को हम ग्रहणी के नाम से जानते किस नाम से ग्रहणी के नाम से जिसे अंग्रेजी भाषा में ड्यूओडेनम भी कहां गया है क्या कहां गया है ड्यूओडेनम तो दोस्तों इस भाग को हम ग्रहणी के नाम से जानते हैं और यह जो ग्रहणी होती है यह ग्रहणी छोटी आंत का लगभग जो 25 सेंटीमीटर लंबा कितना 25 सेंटीमीटर लंबा तथा अपेक्षाकृत कुछ मोटा और कुंडलित भाग होता है कौन सा भाग कुंडलित भाग जैसे दोस्तों हम देख सकते हैं कि यह एक सी की आकृति बनाए हुआ है और दोस्तों यह जो, जो ग्रहणी होती है यह ग्रहणी इस आमाशय के पाइलोरस से प्रारंभ होकर सी की आकृति बनाती है किससे प्रारंभ होता है यह ग्रहणी आमाशय के पाइलोरस से प्रारंभ होकर इस प्रकार की सी की आकृति बनाती है और दोस्तों यह ग्रहणी पीछे की ओर मध्यांत्र में खुलते हैं किसमें खुलते हैं मध्यांत्र में जैसे कि दोस्तों हम देख सकते हैं इधर से इधर सी की आकृति बनाकर यह मध्यांतर में खुल रही है तो दोस्तों हमारा प्रश्न था कि छोटी आंत का प्रारंभिक भाग सी के आकार का होता है जो प्रारंभिक भाग होता है जैसे कि हमने देखा कि यह सी के आकार का होता है तो यह भाग क्या कहलाता है छोटी आंत का यह प्रारंभिक भाग क्या कहलाता है तो दोस्तों यह छोटी आंत का प्रारंभिक भाग ग्रहणी कहलाता है क्या कहलाता है तो धन्यवाद दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह उत्तर जरूर समझ में आया होगा कक्षा छह से बारहवीं से लेकर नीट आई आई टी वो एडवांस के लेवल तक एक करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट आप या व्हाट्सअप करें अपने सारे डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर